Our basic aim, to make education free and accessible. Bismillahirrahmanirrahim, main Zainul Abidin, aapka chemistry teacher. Chemistry mein aaj hum padhenge oxidation reduction jisko kehte hain, redox reaction kya hota hai, oxidizing agent and reducing agent jisko kehte hain. Dekhen, agar hum daily life mein dekhen to hamare paas jo batteries wagaira mein jo chemical reaction ho raha hota hai, wo oxidation reduction ke behalf par ho raha hota hai, wahan par oxidation reduction ka process ho raha hota hai. हमारे पास जो कपड़ों का कलर होता है ये अगर डिसअपियर होता है, डिम हो रहा होता है, तो इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोसेस होता है, इस वजह से ये जो है ना कलर डिसअपियर हो रहा होता है. या इसी तरीके से अगर हम देखें रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, ये किस वजह से, ये रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से. ठीक है, तो आज हम इस केमिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे, देखेंगे केमिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं. ऑक्सीडेशन की ना मैं आपको तीन डेफिनेशन बताऊंगा, तीन डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की मेरे पास होगी. पहली डेफिनेशन जो ये होगी वो ये याद कर ले कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना. थर्ड मेरे पास जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना. इलेक्ट्रॉन अगर लूज होंगे किसी भी केमिकल प्रोसेस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी. या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या माना है, किसी भी एलिमेंट पर चार्ज का बढ़ जाना. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी एलिमेंट पर चार्ज है +1, तो अगर चार्ज बढ़ के हो रहा है +3 या +2, तो ऑक्सीडेशन हो गई. किसी भी केमिकल किसी भी एलिमेंट पर चार्ज है 0 और बढ़कर 1 बन रहा है +1, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. एग्जाम्पल से देखें, ठीक है, पहले हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना. तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर. दूसरा हमारे पास H2S Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, HCl एंड सल्फर. अच्छा, अगर इनको हम बैलेंस कर लें तो पहले वाले में हमारे पास L2O3 है, तो यहाँ पर ये 2 2 3 6 और ये मेरे पास 2. ठीक है, इनटू 4 4 होगा. अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ओके, तो यहाँ देखिए Cl रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर. ये क्या हो रहा है, सल्फर में चेंज हो रहा है, क्यों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से. ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहां पर देखें मर्केरी पर चार्ज क्या थी, +1 चार्ज था और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, किस पर हुआ, +2 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर लिया. जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो इस पर चार्ज लगे +2, अब +2 चार्ज आ गया, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है +1 से +2. इसी तरीके से अगर हम जिंक देखें तो जिंक यहाँ पर न्यूट्रल है, जिंक पर कोई चार्ज नहीं है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस पर चार्ज आ रहा है +2, तो इलेक्ट्रॉन लूज की ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अच्छा जी, रिडक्शन हमारे पास होता है, रिडक्शन बिल्कुल इसी के अपोजिट, हमारे पास रिडक्शन होता है. तो अगर मैं रिडक्शन इसके अपोजिट पे जाऊं तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा जी, यहां पर क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर अपोजिट जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन, सॉरी हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अच्छा जी,
और अगर यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हो जाना। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। तो एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसका मतलब है क्या, हमारे रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसका मतलब है रिडक्शन हो रही है। इसको अगर बैलेंस कर ले तो हमारे पास ये O2 यहां पर, ये O2 यहां पर। ठीक, अच्छा HCl में देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है HCl में, अच्छा ऐड हो रहा है ना, तो यहां पर 2 HCl बना है और यहां पर ये H2Cl। ठीक है, अच्छा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, डेफिनेशन क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए ऑक्सीजन के हमारे पास यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था -1, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने गेन किया दिया, तो क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यानी कि -1 से -2 डिक्रीज हुआ, माइनस में डिक्रीज हुआ। ठीक है, अगर कॉपर देख ले, कॉपर क्या हुआ, कॉपर +2 था, ठीक है कॉपर +2 था और यहां पर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, +2 से 0 की तरफ गया, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, यानी कि यहां पर भी रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, बात तारीफ हो गई। अच्छा इसके बाद हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो, दोनों एक ही टाइम पर, उसको क्या कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, take place simultaneously. ठीक है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नाम कैसे पढ़ा, नाम देखें, रिड्यूसिंग एजेंट से हमारे पास REDI आया, रिड्यूसिंग एजेंट से हमारे पास REDI आया, ठीक है रिडक्शन से, रिडक्शन से हमारे पास REDI आया और ऑक्सीडेशन से हमारे पास OX आ गया, इसके उस पर हमारा नाम पड़ गया। रिडक्शन से हमारे पास REDI आया और OX से हमारे पास ऑक्सीडेशन आया, यानी कि रिडक्शन भी हुई ऑक्सीडेशन भी, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे इसको। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अच्छा जी, सेकेंड हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझने से पहले एक बात समझे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं किसके पास जाऊँ, प्रॉपर्टी एजेंट के पास, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर्टी मिल पाएगा, वो मुझे कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी या कुछ भी सेल के लिए, तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए खरीदने में, मैं एजेंट के पास जाऊँगा। मुझे कहीं ट्रेवल करना है तो मैं ट्रेवल एजेंट के पास जाऊँगा, क्योंकि मुझे ट्रेवल करना है, तो मुझे ट्रेवल करवाएगा, वो राह निकालेगा ट्रेवल करने। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो उसको क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन से होंगे, तो कौन से होंगे, होंगे सबसे पहला एजेंट या सब्सटेंस विच ऑक्स विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर लेंगे, विच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर, ऐसे सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस हो रहे लेकिन अगले को ऑक्सीडाइज कर रहे, खुद तो रिड्यूस हो रहे लेकिन अगले को क्या कर रहे ऑक्सीडाइज कर रहे। ठीक है, अच्छा जी, अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई खुद रिड्यूस हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा और जब वो रिड्यूस होगा तो अगले को ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। एक और बात याद रखें, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है हमारे पास, याद रखें इसको।
एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जा सकती है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी. ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल देख लेंगे. हमारे पास पीबी है. ठीक है, पीबी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो चाह रहा है कि वो स्टेबल हो जाए. पीबी अगर स्टेबल चाहता है तो फिर वो पीबी प्लस टू डालना चाहता है. तो क्या करेगा पीबी, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा. दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद को स्टेबल करना चाहेगा, प्लस टू में आना चाहेगा. पीबी दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद को स्टेबल करना चाहेगा. तो जब स्टेबल करना चाहेगा तो किसी से दो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, किसी से दो इलेक्ट्रॉन लेगा. तो जब किसी से दो इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ. खुद को क्या किया इसने, रिड्यूस किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया. तो जब इसने अगले से इलेक्ट्रॉन्स लिए, मतलब अगले ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया. तो जब अगले ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लेकिन अगले केमिकल सब्सटेंस ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो उसने उसको क्या किया, ऑक्सीडाइज करवाया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. बात आई समझ में, यानी कि उसने अगले से इलेक्ट्रॉन्स लिए, उसको ऑक्सीडाइज करवाया. इस वजह से ये यहाँ पर पीबी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीबी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बात आई समझ में, ठीक है. अच्छा जी, इसी के बारे अगर हम जाए, बिल्कुल इसके अपोजिट है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट. बिल्कुल इसके अपोजिट, यहाँ पर था रिड्यूसिंग इटसेल्फ, यहाँ पर होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ. ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर. ठीक है, खुद को क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और अगले को रिड्यूस करेगा, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. ठीक है, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और अगले को रिड्यूस कर देगा. जब ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर भी हमने देखा ना, तो यहाँ पर वहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास फ्लोरीन था. तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन होगा, हमारे पास रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होगा लिथियम. ठीक है, लिथियम इसको याद करें, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा. लिथियम इसको क्लियर है, ठीक है. बात है इसमें बिल्कुल इसके अपोजिट है, क्लियर. अच्छा, एक हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहले अगर मैं एक एग्जांपल देख लूं तो मेरे पास जिंक, ठीक है, जिंक है और जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ. HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना ले रहा है जिंक क्लोराइड प्लस H2. ठीक है, अच्छा जी, अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा. क्लियर. अब क्या है ना, स्टार्टिंग में जिंक न्यूट्रल था, जिंक के पास कोई चार्ज नहीं था, जिंक जीरो. लेकिन जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, उसका चार्ज चला हो गया प्लस टू. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि जीरो से प्लस टू हो गया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया. अब यहां पर देखिए, अच्छा हम यहां इसको मेंशन कर लेते हैं, यहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी. अब यहां पर HCl का HCl पर चार्ज था प्लस वन. ठीक है, प्लस वन चार्ज था, लेकिन रिएक्शन प्रोसेस प्रोसीड हुआ तो चार्ज बन गया जीरो, यानी कि प्लस वन से जीरो बन गया. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो रिडक्शन होगा. ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर रिड्यूस हो गया, रिडक्शन. अब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, पूरे केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन. बात आ रही समझ में. अब यहां पर देखिए, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. देखो, जो खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. यहां पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया उसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, पहले जीरो था, अब यहां पे प्लस टू हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ऑक्सीडेशन हो रही है जहां पर वो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट, Zn इज
रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोजन यहां पर क्या है हमारे पास, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर एक और एग्जांपल देंगे, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 और बनाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, अच्छा यहां पर भी जिंक पर चार्ज जीरो, कॉपर पर यहां पर चार्ज था +2। ठीक है, रिएक्शन बढ़ा और कॉपर पर चार्ज है जीरो और जिंक पर +2। अब देखें उससे देखें, कॉपर पर +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि रिडक्शन, जिंक पर जीरो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यानी कि ऑक्सीडेशन। तो जिंक पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडेशन और यहां पर रिडक्शन, तो इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर। क्यों, क्योंकि ये वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे दो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो इन टर्म्स से जो है ना आप कंफ्यूज नहीं चाहिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं अगले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एजेंट नहीं एजेंट। ठीक है, तो इसको इस ट्रिक से भी याद करें कि जो सब्सटेंस लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको नोट कर लेना।